Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. So बहुत important update मैं आप सभी students के लिए लेके आई हूँ regarding मतलब vacancy, जहाँ पर आप लोगों की क्या eligibility है, किस तरीके से आप apply कर सकते हैं, वो सारे detail हम इस particular short video के अंदर discuss करेंगे. So before starting the video, just note down our classes timing. हमारे paper 1 की classes हैं 10 AM Monday to Saturday YouTube और 11:30 Monday to Saturday app पे, मतलब 10 बजे paper 1 है और 11:30 paper 1 आपका app पे है. Alternate days पे classes हैं जिसमें Monday, Wednesday, Friday तुलिका मैम और Tuesday, Thursday और Saturday ये मेरी timings रहेंगे. उसी के साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको हर तरीके के अपडेट्स मैं प्रोवाइड करूंगी, चाहे वो वैकेंसी अपडेट है या आप लोगों का क्लासेस का अपडेट है, करंट अफेयर का अपडेट है. तो ये टेलीग्राम ग्रुप सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को, जो पर्टिकुलर ये वैकेंसी है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे या फिर कल तक आपको ये चीज़ मैं शेयर कर दूंगी, राइट. और अगर आप फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, आप सभी को पता है सिलेबस हमारा 24 के अंदर चेंज होने वाला है, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक मेंटोर की जरूरत होगी कि स्ट्रक्चर्ड आपको चीजें मिले, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास कम है और आपको सारी चीज कवर अप भी करनी है, क्योंकि डे बाय डे कहीं ना कहीं पेपर का पैटर्न है वो एक नेक्स्ट लेवल बन चुका है. तो पेपर 1 और पेपर 2 आपको लाइव क्लासेस रहेंगी. बाकी मोर डिटेल्स के लिए यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर एज वेल, 0 स्टार्टिंग में जरूर लगाइए और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड. यहाँ पर आपको कंप्लीट कॉम्बो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का. चलिए तो अब वीडियो की तरफ हम लोग अपना नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं. जस्ट मैं आप लोगों को एक बार स्लाइड शेयर कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई होप अब आप लोगों को ये विजिबल है. इसका थोड़ा सा मैं एक रिजोल्यूशन जूम इसको कर लेती हूँ. हाँ देखिए, तो ये जो वैकेंसी है आप लोगों का APPSC आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये वैकेंसी आया है, जिसमें ये नोटिस आप देख सकते हैं, आपका 21 दिसंबर का नोटिस है. ये जो वैकेंसी रहेंगी आप लोगों की, लेक्चरर की वैकेंसी रहेंगी, जिसके अंदर ये टोटल आप लोगों की 99 वैकेंसी है. लेक्चरर आप लोगों की इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, जिसमें पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, जो कि एपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विस के अंडर आता है, और इसका पे स्केल भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पे स्केल है. और एज ग्रुप की भी बात करें, यहाँ पे एज का भी 18 to 42 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, जैसे इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है, तो ये अलग अलग यहाँ पर क्या है, वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है अलग अलग सब्जेक्ट को भी मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. अगर यहाँ पे इसके लास्ट डेट की बात करें तो 29 जनवरी से एप्लीकेशन कब से शुरू होगा आपका, 29 जनवरी से, और आपका लास्ट डेट रहेगा 18 February 2024 है. ओके, 12 बजे तक ये आप लोगों का पोर्टल ओपन रहेगा. ज्यादा डिटेल के लिए ये पर्टिकुलर आप लोगों को वेबसाइट भी दिया गया, वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन आपका अप्रैल या मई मंथ में दिया जाएगा. इसका सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगी, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है. और तभी मैंने आपको बोला आप टेलीग्राम @PreetiPaper1 पेपर वन, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि वहां पर मैं इस सिलेबस को भी शेयर कर पाऊं, जिस चीज का सब्जेक्ट है वो वहां पर आप अप्लाई कर पाएं, तो वो चीज आप लोग यहां पे क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो ये थी आप, अब अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी दे रखी है. जैसे कि मैं बात करूँ कि कंप्यूटर के अंदर आप लोगों की ये वैकेंसीज दे रखी हैं, ठीक है, ये आप लोगों की टेक्निकल पार्ट में आ जाती है. नॉन टेक्निकल के अंदर आप लोगों की भी वैकेंसीज यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आप लोगों का इंग्लिश के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ये देखो लेक्चरर इन इंग्लिश है आपका, जियोलॉजी के अंदर आता है, मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है आप लोगों का, राइट, ये फिजिक्स के अंदर. तो ये आप लोगों के अलग अलग जेनरिक सब्जेक्ट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपना, हालांकि ये तो आपके इंजीनियरिंग स्पेसिफिक चले जाते हैं, बट यहाँ पर आपका डिफरेंट क्राउड भी आ जाता है, CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे. एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा, पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन. जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ, जैसे या तो BTech या फिर BE आपके पास होना चाहिए. लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइक गारमेंट टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए.
केमिस्ट्री, इंग्लिश, जियोलॉजी, मैथ्स और सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट आपका होना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है. ओके, देन ऐसे ही फार्मेसी के अंदर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर देखो आपको सिर्फ यहाँ पे मास्टर्स की जरूरत है ना, बाकी एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर ऐसा डिमांड नहीं रखा गया है. वो बाकी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी मैरिट रहती है, कैसे वहाँ पे सिलेक्शन जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें बाइफर्केट हो जाती हैं. तो इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी केमिस्ट्री, इंग्लिश, जियोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए. ओके, जिसमें नेट का जो पार्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमिनेट कर रखा है. अब अगर यहाँ पे मैं सिलेबस की बात करती हूँ, देखिए बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जस्ट वेट, और इसका डिटेल आप लोगों को वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. पूरी नोटिफिकेशन में सब कुछ सारी चीजें मेंशन किया गया. देखो ये देखिए, ये आपका पेपर वन जैसे जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये आपका जनरल स्टडी का पार्ट दे रखा है, और पेपर टू में आपका सब्जेक्ट दे रखा है. तो जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर अपना अपना सब्जेक्ट यहाँ पे पिक कर सकते हैं कि क्या आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है. अलग अलग चीजें यहाँ पर आप लोगों की मेंशन किया गया, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएस वालों का सब्जेक्ट है, इंग्लिश वालों का, मैकेनिकल का ये सिलेबस है, तो पूरा पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर रखा है. तो ये था एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसमें जिसका भी अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है यू कैन अप्लाई. आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएं. ना तो इसमें टेट की जरूरत है, ना ही आप लोगों से नेट की रिक्वायरमेंट है, ना ही एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वालिफिकेशंस, क्योंकि ये आपकी पॉलिटेक्निक लेवल एग्जाम की पॉलिटेक्निक लेवल की क्या है वैकेंसीज हैं. थैंक यू सो मच. सो डू लाइक एंड शेयर दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो, एंड उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर वन पेपर टू तो आपको मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ जॉब अपडेट और अदर जो भी यूजीसी के अपडेट आता है वो भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.